अगर आपका टारो ऑकल्ट में इंटरेस्ट है आप सीखना चाहते हैं वी हैव अ टारो सर्टिफिकेशन कोर्स जिसमें ए टू जेड अबाउट टारो आपको सीखने को मिलेगा आई से ए टू जेड मतलब बहुत सिंपल सिंपल बेसिक चीज़ों से लेकर जो भी मेन मेन टॉपिक हैं ईच एंड एवरीथिंग कनेक्टेड एंड रिलेटेड टू टारो इज़ कवर्ड इन दिस कोर्स अपनी इस जर्नी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं यानी कि कैसे आप एक प्रोफेशनल कार्ड रीडर बन सकते हैं अपना करियर टारो में बना सकते हैं ये भी इस कोर्स में कवर्ड है और अगर इसी से ही रिलेटेड कोई भी डाउट कोई भी सवाल आपके मन में है आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं हेलो एवरीवन मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जुलाई 2024 की लव टारो रीडिंग तो अगर आप जानना चाहते हैं जुलाई मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए आप क्या महसूस करेंगे फाइनली जुलाई मंथ में क्या होगा तो ये रीडिंग आपके लिए है और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं यानी कि लगन से भी देख सकते हैं नाम की राशि से भी देख सकते हैं सन साइन मून साइन से भी देख सकते हैं जिस साइन से आप कनेक्टेड फील करते हैं या फिर आपको लगता है कि ये आपका साइन है उसी साइन के हिसाब से आप टैरो रीडिंग को देख सकते हैं तो चलिए जी देखते हैं कि जुलाई टू में आपकी लव लाइफ़ में क्या हो रहा है जरूरीज़ आप लोगों के लिए देखें जुलाई टू में आपकी लव लाइफ़ में क्या हो रहा है मेरे पास यहाँ पे तीन सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे सेकेंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली जुलाई मंथ में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है सिक्स ऑफ इंस्पिरेशन और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर जुलाई स्टार्टिंग में आप खुद के लिए या तो बहुत स्टैंड ले रहे हैं या फिर एक ईगो किसी लेवल पे रह रही है या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं देखिए जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा फिर से एक बार ही क्लियर कर देती हूँ पीछे अगर आप लोग यू you नो know, अपने आप को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे या फिर यू you नो know, अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे तो जुलाई स्टार्टिंग में आपको ऐसे लग सकता है बस बहुत हो गया अब खुद को प्रायोरिटाइज़ करना है अब तरीका सब का डिफ़र कर सकता है कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत स्ट्रांगली आप स्टैंड ले रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा ही प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं अब ये लेवल भी सब के लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और डीपर लेवल के लिए इनोसेंस का कार्ड कहता है कि इसके पीछे आपके इंटेंशंस बहुत ही प्योर हैं यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर के लिए कुछ गलत सोच रहे हैं या फिर आपकी इंटेंशंस गलत हैं बस यू you नो know, खुद को प्रोटेक्ट करना या फिर खुद को एक प्रायोरिटाइज करना आपका इंटेंशन ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है लेकिन जैसे जैसे जुलाई में आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे क्रेविंग का कार्ड कहता है शायद इस चीज़ को आप उतना नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं डीपर लेवल के लिए क्रेविंग का कार्ड बहुत पार्टनर के लिए एक क्रेविंग होने की बात करता है अब ये क्रेविंग भी सबके लिए डिफर करेगी कुछ के लिए फ़िजिकल इंटीमेसी की एक क्रेविंग हो सकती है कुछ के लिए उनसे बात करने की क्रेविंग हो सकती है कुछ के लिए उनसे कनेक्ट करने की क्रेविंग हो सकती है तो बहुत यू नो एक पार्टनर के लिए चाह आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं लेकिन जितना भी डीपर लेवल के लिए ये क्रेविंग हो रही हो सरफेस लेवल के लिए पेज ऑफ मटेरियल्स का कार्ड कहता है कि प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर आप चीज़ों को डील कर रहे हैं हो सकता है कि जैसे जुलाई स्टार्टिंग में आप बहुत स्ट्रांगली अपने लिए स्टैंड ले रहे थे या फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत प्रायोरिटाइज कर रहे थे एक ईगो भी आपकी तरफ से रह रही थी उतनी ईगो आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं थोड़ा सा एक इमेच्योर एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं थोड़ा सा मेल्ट डाउन होते हुए दिख रहे हैं लेकिन फिर भी यू नो बहुत चीज़ों में या बातों में या सिचुएशन के साथ बहते हुए नहीं दिख रहे हैं एंड एंड जुलाई के लिए अबैंड एंड हाई प्रिस्टर्स के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं आप किसी लेवल पे विदड्रॉ कर रहे हैं अब देखिए ये भी सब के लिए डिफर करेगा अबैंडन के कार्ड को देखें तो कहीं ये छोड़ने की बात करता है लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़ रहे हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है सब का रिलेशनशिप डिफरेंट लेवल पर है लेकिन जिस भी लेवल पर आपका रिलेशनशिप है उसी लेवल से बहुत ज़्यादा एक इनिशिएटिव एक्शन आपकी तरफ से नहीं रहते हुए दिख रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रोज अपने पार्टनर से मिलते हैं और आपकी तरफ से ही एक एफर्ट रहता है तो आप यू you नो know, हो सकता है तीन चार दिन में एक बार ही मिल रहे हैं और अपनी तरफ से उतना एफ़र्ट नहीं ले रहे हैं अगर आप मिलते ही हफ्ते दस दिन पंद्रह दिन में एक बार ही हैं तो उससे भी कम मिलते हुए दिख रहे हैं या कनेक्ट करते हुए या आप लोगों के बीच में बात होती हुई दिख रही है तो फिर से कहूँगी किसी लेवल पे विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं और कुछ चीज़ों को लटको करते हुए छोड़ते हुए दिख रहे हैं ये स्पेसिफिकली जुलाई एंड की एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं एंड uh, हो सकता है इन द प्रोसेस आप कुछ चीज़ें अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं या फिर आपको ऐसे लग रहा है पार्टनर ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड आपके लिए है तो आपकी तरफ से ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं जहाँ पे आप खुल के चीज़ों को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं कोई चीज किसी लेवल पे पार्टनर से छुपाते हुए हाइट करते हुए दिख रहे हैं अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है अवेकनिंग और अवेकनिंग का कार्ड कहता है कि, कि किसी चीज़ की रियलाइजेशन किसी चीज़ का एहसास आपके पार्टनर को जुलाई स्टार्टिंग में होता हुआ दिख रहा है अब देखिए फिर से ये जनरल रीडिंग है सब जेमिनीस के पार्टनर के लिए एहसास ये अवेकनिंग ये रियलाइजेशन डिफर करेगी लेकिन डीपर लेवल के लिए ट्विन फ्लेम्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है हो सकता है कि जुलाई स्टार्टिंग में या जुलाई मंथ में उनको ये एहसास हो कि भाई आप उनके ट्विन फ्लेम हैं अब देखिए सबकी सिचुएशन सेफर करेंगी लेकिन जैसे कि हमने आपके कार्ड्स में देखा कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है जैमनीस जब तक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं प्रायोरिटाइज करते हैं मैं ईगो की बात नहीं कर रही हूँ मैं एरोगेंस की बात नहीं कर रही हूँ बट ये सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं प्रायोरिटाइज करते हैं सामने वाला हमें वैल्यू ही नहीं करता है तो हो सकता है कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करें तो उनको एहसास हो कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है देखिए हो सकता है ये सब के लिए ना एप्लीकेबल हो लेकिन किसी ना किसी लेवल के लिए काफ़ी सारे जर्मनीज़ के लिए एप्लीकेबल रहता हुआ दिख रहा है तो फिर से मैं कहूँगी आपके पार्टनर को जुलाई मंथ में एहसास होता हुआ दिख रहा है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हैं और बहुत आपके साथ उनका गहरा नाता है बहुत गहरा एक कनेक्शन है एंड यहाँ पे हॉट डॉग एपेटाइट का कार्ड भी कहीं उनके तरफ से आपके लिए एक क्रेविंग की बात करता है देखिए कहीं मिड जुलाई के लिए आपके लिए यहाँ पे क्रेविंग का कार्ड था और आपके पार्टनर के लिए मिड जुलाई के लिए ही हॉट डॉग एपेटाइट का कार्ड है तो कहीं देखिए सिमिलर सी एनर्जीज आप दोनों ही मन ही मन महसूस कर रहे हैं सरफेस लेवल पे हो सकता है ना कन्वे कर रहे हो आपके पार्टनर तो बिल्कुल भी नहीं कन्वे करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर के लिए फोर ऑफ सोल्स का कार्ड कहता है कि वो बिल्कुल विदड्रॉ कर रहे हैं और बिल्कुल उनकी तरफ से मिड जुलाई में खासकर एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं रहते हुए दिख रहे हैं लेकिन मन ही मन आपके लिए बहुत एक चाह रहती हुई दिख रही है मन ही मन आपको बहुत डिज़ायर करते हुए दिख रहे हैं आई होप क्लियर है सरफेस लेवल पे आपको ऐसे लग सकता है कि पता नहीं इनके मन में आपके लिए प्यार है या नहीं है पता नहीं इनको आपकी परवाह है या नहीं है उनके एक्शन से लेकिन क्योंकि वो सॉरी क्योंकि वो उतना एक्शन इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं लेकिन मन ही मन ऐसा नहीं है वो आपको बहुत चाहते हुए दिख रहे हैं आपकी एक चाह रखते हुए दिख रहे हैं एंड एंड जुलाई के लिए एस्ट्रल रोमांस एंड क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं यू you नो know, उनको ऐसा लग सकता है कि भाई अगेन आपका उनका बहुत गहरा नाता है और ये कहीं पिछले जन्म का रिश्ता है और इसी रियलाइजेशन के साथ कहीं एंड जुलाई में वो अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं या फिर मैं कहूँगी अपने शेल से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं और बहुत करेजसली बहुत बोल्डली इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हैं या फिर मैं कहूँगी एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं अगर उनको कुछ रिस्क भी लेना पड़े इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए तो उसके लिए भी रेडी रहते हुए दिख रहे हैं और अब देखते हैं कि जुलाई मंथ में क्या हो रहा है तो देखिए जुलाई मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है एट ऑफ इमोशंस और ये कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक किसी चीज को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं अब देखिए ये कोई भी चीज़ हो सकती है कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ ब्रेकअप हो रहा है रिलेशनशिप एंड हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ जुलाई मंथ की रीडिंग है हो सकता है जुलाई मंथ में एक यू नो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है या आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़ी सी दूरी मेंटेन करें और ख़ासकर जुलाई स्टार्टिंग में ये ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है अब कुछ के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं जुलाई स्टार्टिंग में या जुलाई मंथ में उसकी वजह से हो रहा है या फिर देखिए कोई और चीज़ भी हो सकती है अगर आपने किसी चीज़ को लेकर एकजित पकड़ी हुई थी आपके पार्टनर ने किसी चीज़ को लेकर बहुत तो फिक्सेटेड हो रहे थे तो उसको छोड़ते हुए दिख रहे हैं किसी आदत बिहेवियर को आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक छोड़ते हुए दिख रहे हैं और डीपर लेवल के लिए कमिटमेंट का कार्ड कहता है कि कहीं मन ही मन आप दोनों ही कमिटमेंट चाह रहे हैं एंड मिड जुलाई के लिए हिडन पावर एंड नाइन ऑफ मटेरियल्स के कार्ड कहते हैं कि कहीं यू नो अगें सेल्फ को आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर के लिए हमने अभी देखा ही कि वो यू you नो know, अपने लिए स्टैंड ज़्यादा लेते हुए दिख रहे हैं और आपके लिए भी शायद मैंने कहीं देखा था नहीं आपके लिए नहीं था आपके पार्टनर के लिए था कि वो अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं तो कहीं नाइन ऑफ मटेरियल्स का कार्ड भी कहता है कि आ, आपको ऐसा लग सकता है जमनीस कि मुझे ना अब मेंटली इमोशनली फिजिकली पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है मुझे इंडिपेंडेंटली ही इस रिलेशनशिप में रहना है वैन ऐसे इंडिपेंडेंटली इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनर को छोड़ देना है बट जैसे होता है ना कभी कभी इतनी हमें एडिक्शन हो जाती है इतनी हमें आदत पड़ जाती है कि हम बिल्कुल उनको देखे बगैर उनसे बात करे बगैर नहीं रह पाते हैं तो कहीं आप दोनों में से किसी एक की कि एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं कि बस अब ना यू uh, नो you know, इस एडिक्शन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है थोड़ा सा इमोशनली मेंटली डिपेंडेंट नहीं होना है और कहीं गार्जियन एंजल एंड नाइट ऑफ इमोशंस रिवर्स के कार्ड्स कह रहे हैं ऐसा आप मिड जुलाई में कर तो रहे हैं अगेन आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं लेकिन इतना आसान नहीं हो रहा है काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं काफ़ी सेंटिमेंटल हो रहे हैं थोड़े से सेंसिटिव भी हो रहे हैं और मैं कहूँगी कि थोड़ा प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीजों को नहीं डील कर रहे हैं थोड़ा यू नो इमोशंस के साथ कैरिड अवे हो रहे हैं तो अगर थोड़ा भी जो आप सोच रहे हैं उसको प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से अप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा नीचे गाजिंग एंजल का कार्ड कहता है कि आपको या आपके पार्टनर को ऐसे लग सकता है कि भाई आप दोनों एक दूसरे के गार्जिंग एंजल हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा अवेलेबल हैं जब भी, भी ज़रूरत पड़े और कहीं ना कहीं वो एक जो गार्जिंग एंजल से स्ट्रेंथ मिलती है जो एक यू नो एक पीस मिलता है वो आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ महसूस करते हुए दिख रहे हैं लेकिन फिर से कहूँगी साथ ही साथ काफ़ी इमोशनल सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हुए दिख रहे हैं तो देखिए कहीं एंड जुलाई में थोड़ा सा हार्ट और माइंड का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी रहेगा इमोशंस फीलिंग से एंड जुलाई में बहुत ज़्यादा कैरेड अवे ना हूँ तो ये था जेमिनीज़ आप लोगों के लिए जुलाई 2024 की लव आरो रीडिंग और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें